कहानियां, बुद्धि लगाओ और फंसा हुआ उधार वापस पाओ। उधारी एक ऐसा विषय है जो हर छोटे बड़े व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर किराना दुकान वालों के लिए। कई बार ग्राहकों को उधार देना पड़ता है, लेकिन वापस लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके लिए बनिया समुदाय की कुछ विशेष रणनीतियां होती हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी अपना उधार आसानी से निकाल सकते हैं। आइए जानें उन रणनीतियों के बारे में। 1. ग्राहक की समझ और पहचान। बनिया अपनी सूझबूझ से ग्राहकों की पहचान अच्छे से करता है। कौन ग्राहक भरोसेमंद है और कौन नहीं, ये जानना महत्वपूर्ण है। उधार देने से पहले ग्राहक की वित्तीय स्थिति और उनके पिछले उधार लौटाने के रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करें। 2. छोटी रकम से शुरुआत में छोटी रकम का उधार दें। इससे आप ग्राहक की उधार चुकाने की आदत को समझ सकते हैं। यदि वह सही समय पर छोटी रकम चुका देता है, तो आप आगे बड़ी रकम का उधार दे सकते हैं। 3. स्पष्ट नियम और शर्तें। उधार देने से पहले स्पष्ट रूप से नियम और शर्तें तय करें। किस तारीख तक उधार वापस करना है, इस बारे में ग्राहक को स्पष्ट जानकारी दें। ये सुनिश्चित करें कि ग्राहक को आपके नियमों की पूरी समझ हो। सर, नियमित अनुस्मारक। उधार चुकाने की तारीख नजदीक आने पर ग्राहक को विनम्रता से याद दिलाएं। ये फोन कॉल, मैसेज या व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से किया जा सकता है। इससे ग्राहक को पता चलेगा कि आप अपने पैसे के प्रति सजग हैं। सामाजिक दबाव का उपयोग। बनिया अक्सर सामाजिक दबाव का उपयोग करते हैं। यदि ग्राहक उधार नहीं चुका रहा है, तो उसे सार्वजनिक रूप से या उसके जानने वालों के माध्यम से याद दिलाए। इससे ग्राहक पर मानसिक दबाव बनेगा और वह जल्दी से उधार चुकाने की कोशिश करेगा। 6. व्यवहारिक दृष्टिकोण। ग्राहक के साथ अच्छा और दोस्ताना व्यवहार रखें। यदि ग्राहक को लगता है कि आप उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो अधिक जिम्मेदार महसूस करेगा और समय पर उधार चुकाने का प्रयास करेगा। 7. उधार का रिकॉर्ड। हर उधार का स्पष्ट रिकॉर्ड रखें। किस ग्राहक ने कितना उधार लिया है और कब वापस करना है, इसका पूरा हिसाब रखें। ये रिकॉर्ड कागजी या डिजिटल रूप में हो सकता है। ये आपको उधार की स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा। वैकल्पिक समाधान। यदि ग्राहक आर्थिक तंगी में है और उधार नहीं चुका पा रहा है, तो वैकल्पिक समाधान ढूंढें। उसे किस्तों में उधार चुकाने का विकल्प दें या कुछ समय की मोहलत दें। ये ग्राहकों के साथ आपके अच्छे संबंध बनाए रखेगा और उधार वसूली में भी मदद करेगा। 9. कानूनी मदद। यदि सभी प्रयास विफल हो जाए और उधार की रकम बड़ी हो, तो कानूनी मदद लेने से भी न हिचकिचाएं। कोर्ट या लोक अदालत के माध्यम से उधार वसूली का प्रयास करें। डेट। भविष्य की रणनीति। उधार वसूली के अनुभव से सीखें और भविष्य में उधार देने की अपनी रणनीति में सुधार करें। इससे आपको भविष्य में कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बनिया समुदाय की यह रणनीतियां अपनाकर आप भी अपनी दुकान के फंसे हुए उधार को आसानी से वापस पा सकते हैं। याद रखें, धैर्य और सूझबूझ से ही आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।